विद्यार्थी हो, श्रीराम उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं लखनलाल मीना कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान विषय का लेसन 1 के बारे में कल जो मैंने आपको जानकारी दी थी उसी से आगे बढ़ाते हुए आपको अध्ययन करा रहा हूँ। आज राजस्थान के प्रमुख जनपद, जैसा कि मैंने कल आपको विभिन्न जनपदों के बारे में प्रिय विद्यार्थियों श्रीराम उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं लखनलाल मीना कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान विषय का पाठ 1 के बारे में आपको अध्ययन करवा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने आप सभी को राजस्थान के प्रमुख महाजनपद से पहले मैंने बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपदों की आपको संक्षिप्त जानकारी समझाई थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए ये महाजनपदों को 16 महाजनपदों को दो भागों में विभाजित किया गया था। अब आप सभी को ध्यान देना है, पहले पिछला वीडियो का अध्ययन करें और पिछला वीडियो का अध्ययन करने के बाद आगे के वीडियो में जानकारी प्राप्त करें। ध्यान दीजिए, आज मैं आप सभी को राजस्थान के प्रमुख जनपद जिनमें वैदिक सभ्यता के विकास का क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है, यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, सिवी, अर्जुनायन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लग गई थी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हो गया है। इसी प्रकार जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात होने के बाद राजस्थान के प्रमुख महाजनपदों में ऐसे कौन कौन से जनपद हैं जिनका वर्चस्व सबसे अधिक देखने को मिला, जिनमें 4 प्रमुख महाजनपद हैं जांगल, मत्स्य, सिवी और सुरसेन, जिसमें पहला जांगल वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी मिलता है। इस जनपद की राजधानी आई छत्रपुर थी, जिसे इस समय नागौर कहते हैं। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर के नाम से या अपने आप को जांगलधर बादशाह के नाम से जानते थे। बीकानेर राज्य के राजचिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा हुआ मिलता है। ध्यान देना है आप सभी को, इस पैराग्राफ में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो पहला क्वेश्चन बनता है कि महाभारत काल में जांगल देश किन किन क्षेत्रों को कहा जाता था। तो वर्तमान के बीकानेर और जोधपुर के जो जिले हैं, या फिर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी लिया जा सकता है, वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले को महाभारत काल में किस नाम से पुकारा जाता था। तो हमें ध्यान देना है, वर्तमान इसका उत्तर है, वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता था। और इसी प्रकार जांगल देश को किन किन नामों से पुकारा जाता था, तो कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी इनके नाम मिलते हैं। जांगल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है, ये तीसरा क्वेश्चन बन जाता है। तो जांगल प्रदेश की राजधानी का नाम है आई छत्रपुर। ध्यान देना, यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के अंतर्गत 1 नंबर के प्रश्नों में पूछा जाता है और ये कई बार बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। ऊपर जांगल देश का वर्तमान बीकानेर और जोधपुर जिले के ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। इसमें 2 क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण निकल करके आते हैं और वह है, एक तो जांगल जनपद की प्रमुख राजधानी का नाम बताइए, ध्यान देना है, इसे याद रखना है और अपनी कॉपी में इसे नोट करके भी रखना है आप सभी को, जिससे आपको निकट भविष्य में इन प्रश्नों की जानकारी देखने से लाभ प्राप्त हो। दूसरा आपको ध्यान देना है, जांगल देश जिसे वर्तमान समय में जो नागौर है उसे
राजधानी यही छत्रपुर थी, जिसे वर्तमान समय में नागौर के नाम से जाना जाता है। आगे दूसरा जो जनपद है वो आता है, और वो जनपद है मत्स्य। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ सबसे पहले ही प्रश्न आ जाता है कि साहब मत्स्य महाजनपद का कौन सा क्षेत्र है, या इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये पहला क्वेश्चन यही बन जाता है। तो मत्स्य जनपद का विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी की जांगल क्षेत्र तक माना जाता है। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भाग भी इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी, ध्यान देना है, जिसे वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता है। अब मत्स्य जनपद की जहाँ से हमने शुरुआत की है वहाँ से, और जहाँ तक मैंने आपको बताया यहाँ तक में तीन क्वेश्चन आ गए। पहला ध्यान देना, पहला क्वेश्चन मत्स्य जनपद का विस्तार क्षेत्र बताइए। इसका आंसर है मत्स्य जनपद का विस्तार क्षेत्र चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भूभागों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आ जाता है मत्स्य महाजनपद की राजधानी का नाम बताइए। मत्स्य महाजनपद की राजधानी का नाम है विराटनगर। तीसरा प्रश्न बन जाता है विराटनगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो विराटनगर को वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता है। ये तीन क्वेश्चन यहाँ आ चुके। इसके साथ ही आगे ध्यान दीजिए, मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है। महाभारत में कहा गया है कि सहाज नामक एक राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में यह विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया था। इस प्रकार तीसरा टॉपिक जाता है सूरसेन। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को कई नामों से जाना जाता था, जानते थे, जिसमें मथुरा, सूरसेनाई या मैथुरा, इन तीन नामों से सूरसेन क्षेत्र को पहचाना जाता था। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु, यदु का अर्थ होता है यादव, यादव वंश का शासन था। जैसे भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते हैं। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता है, तथा वासुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का संबंध भी इसी जनपद से माना जाता था। चौथा जनपद आता है सिवी। सिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी, तथा राजा सुसीन ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के सूरकोट नामक स्थान से की जाती है। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की यह सिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लग गई थी। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से सिवियों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे सिवी महाजनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात होता है। इसी प्रकार इसमें आगे देखिए आप, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राजसत्ता कुलीन परिवारों के साथ में ही थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संस्थागार सभा के प्रमुख के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। संस्थागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। इसे अनयू विरोध कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ पर कि अनयू विरोध किसे कहा जाता था। इसका आंसर है संस्थागार सभा के प्रमुख के रूप में शासन की व्यवस्था जो करते थे, उसका प्रत्येक सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार
व्यक्त कर सकते थे। इसे अनियु विरोध कहा जाता था। जो विषय विवादग्रस्त होते थे उन पर मतदान करवाया जाता। मतदान में बहुरंगी सलाकाएं काम में ली जाती थी। संस्थागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। इसका एक प्रश्न बना दिया जाता है यहाँ पर कि जनपदों की सबसे बड़ी संस्था का नाम बताइए, तो संस्थागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संस्थागार के अलावा प्रांतीय संस्थागार भी होते थे। कालांतर में गुटबाजी एवं आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हुआ और समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति के कारण न्यूनाधिक रूप से इनके पतन के लिए उत्तरदायी थी। इस प्रकार राजस्थान के प्रमुख महाजनपदों की जो आपको अभी अध्ययन करवाया गया, इसमें आपको सभी को ध्यान देना है कि जंगल मत्स्य ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा टॉपिक आपका सूरसेन में से भी पूछ लिया जाता है। सूरसेन में सिर्फ एक प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है और वो प्रश्न है कि सूरसेन को किन किन नामों से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को आपको नोट करना है। मत्स्य वाले में से आपको तीन क्वेश्चन महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि मत्स्य की राजधानी का नाम बताइए, इसकी राजधानी विराटनगर थी। उसके बाद मत्स्य महाजनपद का विस्तार क्षेत्र आपसे पूछा जाता है, तो इसका विस्तार क्षेत्र चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र तक था और आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भागों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इस तरह जंगल प्रदेश में से भी क्वेश्चन आपको पूछे गए। तो ये कुल मिलाकर के इस पैराग्राफ में से हमारे 10 से 11 क्वेश्चन सामने आते हैं। ये 10-11 क्वेश्चन हमारे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्हें नोट करके आपको याद करना है ताकि निकट भविष्य में हम इनमें से आने वाले छोटे प्रश्नों का आंसर भलीभांति दे सके। अब मैं आपको अगला टॉपिक समझाते हुए आगे बढ़ाता हूँ।